एक 2000 रुपए के तरपाल के लिए अगर इतनी लड़ाई हम लोगों को लड़नी पड़े तो किस लिए ये अधिकारी कर्मचारी जो है सरकार ने यहाँ पे बिठाए हुए हैं, ये मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहूंगा। इस तरीके से नहीं होता सर, 2 साल हमें भी हो गए हैं यहाँ पे। हर व्यक्ति का अपना सम्मान है और उसकी मतलब अपनी कार्य प्रणाली है सर। रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और अभी जो हमारा निर्णय यही हुआ है कि अगर उन्होंने सार्वजनिक रूप से हमसे थोड़ी देर में माफी नहीं मांगी है, हमसे तो क्या, मेरे कानगो साहब से वो माफी मांगे, अन्यथा हम लोग उनके खिलाफ पुलिस में कार्रवाई करने के लिए जाएंगे। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ तो हम जल्दी उनके खिलाफ अनशन करेंगे। मंडी जिला की नाचन विधानसभा क्षेत्र के प्रभावितों को तिरपाल न मिलने को लेकर विधायक विनोद कुमार पहले कानूनगो पर भड़के और उसके बाद एसडीएम बल को जाकर जमकर खरी खोटी सुना डाली। अब ये मामला इतना बढ़ गया है कि एसडीएम और पटवार कानूनगो संघ ने विधायक साहब से शरेआम माफी न मांगने पर FIR दर्ज करने की चेतावनी दे डाली है। दरअसल नाचन विधानसभा क्षेत्र के ब्रिकमणि, रीफल और शाली के लोगों को तिरपाल देने के लिए बुलाया गया था, लेकिन बाद में उन्हें तिरपाल देने से मना कर दिया गया। लोगों ने इसकी शिकायत भाजपा विधायक विनोद कुमार से कर दी। विधायक तुरंत कानून को कार्यालय पहुंचे और कानून को पर आग बबूला हो उठे। इसके बाद वे पहले तहसील कार्यालय बल और उसके बाद SDM बल समृतिका नेगी के कार्यालय में पहुंचे और वहां पर भी जमकर भड़के। SDM समृतिका नेगी इन दिनों गर्भवती है और बावजूद इसके प्रभावितों की मदद के लिए काम कर रही है, वो विधायक के रवैये को देखकर रो पड़ी। विधायक विनोद कुमार के पेज पर ये सारा घटनाक्रम लाइव चलता रहा। मीडिया को दिए अपने बयान में विनोद कुमार ने कहा कि अगर लोगों को 2000 के तिरपाल के लिए इतनी लड़ाई लड़नी पड़े तो फिर अधिकारी और कर्मचारियों को किस बात के लिए बैठाया गया है। नेगी जी से वहां पे बात की, मैंने कहा जब इन लोगों को आपने बुलाया तो तिरपाल क्यों नहीं दे रहे हो, आपकी जिम्मेवारी बनती है, तनख्वाह आपको इस चीज की दी जाती है, तो स्वाभाविक है कि आज फिर उन सभी परिवारों को जब बाद में काफी लंबी चौड़ी बहस होने के बाद जो है उन सभी परिवारों को तरपाल जो है वो SDM के माध्यम से दिए गए, अगर पहले दे देते तो शायद इस तरह का नहीं होता। लेकिन मैं आपको फिर भी एक बात कहना चाहूँगा, हमने भी आपदा देखी है, एक नहीं अनेकों बार देखी है, हमने कोरोना का दौर भी देखा है, भारी बरसातें भी देखी है, लेकिन जिस तरह से सरकार लोगों के साथ खड़ी मिलती थी, अब आप देखेंगे प्रशासन जो है वो जनता के साथ बिल्कुल भी खड़ा नहीं दिख रहा है। जिस तरह की मदद लोगों की होनी चाहिए थी उस तरह की मदद करने में ये सरकार पूरी तरह से फेल रही है, इस बात को मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूँगा, जिसका सीधा आपने उदाहरण आज आपने देखा है। लड़ाई लड़के जो है एक 2000 रुपए के तरपाल के लिए अगर इतनी लड़ाई हम लोगों को लड़नी पड़े तो किस लिए ये अधिकारी कर्मचारी जो है सरकार ने यहाँ पे बिठाए हुए हैं, ये मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहूंगा। इस घटना के दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए हैं। जिस कानूनगो को विधायक साहिब ने डांट लगाई वो मंडी जिला पटवार कानूनगो संघ के अध्यक्ष दीनानाथ शर्मा है। इस बात से जब जिला पटवार कानूनगो संघ खफा हो गया है और विधायक को सार्वजनिक माफी मांगने के लिए कहा है। हाँ कि सर वेरीफाई करने के लिए मैं ही आपके साथ स्पॉट पर चलती हूँ कि कहीं कोई दबाव तो नहीं है, किसी व्यक्ति को गलत तो नहीं जा रही है, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। बट मुझे इस चीज़ का दुख नहीं है, चलिए हमारे साथ चलता रहता है, बट मेरा फील्ड स्टाफ कहाँ जाएगा? एक व्यक्ति इसका इतनी बदतमीजी, उसको उठा के आप ले आए, वहाँ पे 50,000 कैश पड़ा था, जो कैश डोल का पैसा वो बांट रहे थे लोगों को। हड़बड़ी में जो लेडी का ओके थी वो तो वहाँ से बाहर निकल गई और वो कैश कहाँ गया हमें नहीं पता। तो विधायक महोदय मेरा आपसे यही अनुरोध है कि इस तरीके से नहीं होता सर, 2 साल हमें भी हो गए हैं यहाँ पे। हर व्यक्ति का अपना सम्मान है और उसकी मतलब अपनी कार्य प्रणाली है सर। रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, हमको समझना पड़ता है, हमको खरीदनी भी है वो चीज़, कोटेशनें भी पूरी करनी है, फॉर्मेलिटीज भी करनी है, जितना हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। लेकिन एक छोटे कर्मचारी पर चिल्लाना, आप मुझ पर चिल्लाए कोई बात नहीं, बट एक छोटे कर्मचारी पर चिल्लाना, मैं इस चीज़ की घोर निंदा करती हूँ। बहुत सारे लोगों का सपोर्ट इस वक्त हमारे साथ है और अभी जो हमारा निर्णय यही हुआ है कि अगर उन्होंने सार्वजनिक रूप से हमसे थोड़ी देर में माफ़ी नहीं मांगी है, हमसे तो क्या, मेरे कानगो साहब से वो माफ़ी मांगे, अन्यथा हम लोग उनके खिलाफ पुलिस में कार्रवाई करने के लिए। तो हम लोग रो हर दिन काम कर रहे हैं, तो मैं विधायक साहब को ऐसा बोलता नहीं हूँ, चेतावनी देता हूँ कि आप सार्वजनिक माफ़ी मांगें। अगर आप माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम लोग आज 7 बजे उनके अगेंस्ट FIR दर्ज करा रहे हैं और कल हम DC साहब से मिलेंगे, SP साहब से मिलेंगे, जितने भी हम मंडी डिस्ट्रिक्ट के पटवारी हैं। उसके बाद अगर फिर भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ
तो हम जल्द ही उनके खिलाफ अनशन करेंगे। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस कीजिए महाबचत, क्योंकि गोयल मोटर्स लाए हैं साल की सबसे बड़ी बचत ऑफर। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें